बच्चों, आज हम बनाना सीखेंगे पुराने पंपलेट से चिड़िया। एक पुराना पंपलेट लें, उसे इस तरह से मोड़े। ये एक्स्ट्रा पंपलेट जो बचेगा, स्क्वायर को आपने ट्रायंगल बनाया, और ये एक्स्ट्रा पेज फेंकना नहीं है, काम आएगा। इसको आपने इस तरह से फिंगर बीच में रखते हुए दोनों कोना मिलाया, सेंटर लाइन बन जाएगी बच्चों। फिर आपने इस तरह से टेबल पर रखा, सेंटर लाइन पर इस तरह से टच किया, सेंटर लाइन से आगे पीछे ना हो, इस तरह से आपने सेंटर लाइन पर रखा, इस तरह से इसे उठाया और ये पैरेलल होना चाहिए। समझ गए बच्चों, कम ज़्यादा ना हो, इस तरह से पैरेलल दिखे। फिर आपको एक पेज को ऊपर उठाना है, इस तरह से आगे का मुंह खुलेगा, एक पेज ऊपर होगा, इस तरह से आप ओपन करके वापस फोल्ड, इस तरह से वहीं हो जाएगा। फिर आपको ऊपर की लेना है, ये इस तरह से, इस तरह से वन साइड, अदर साइड, और ये चोंच को आपने बना लिया। समय बच्चे, ये बच्चों आपके ऊपर की चोंच बन गई। अब इसी तरह रिपीट करें, ये इस तरह से ये जो बची चोंच है आपके बर्ड की बॉडी का आधा पार्ट बन गया। इसको आपने उठाकर इस तरह से रखा, समझ गए बच्चों, ये आपका बर्ड रेडी हो रहा है। ये आपने इस तरह पंख उठाया, और ये अभी जो बचा हुआ आपका पंपलेट था, इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है इक्वल, और जो सेंटर है इससे नापते हुए एक्स्ट्रा पेज को फोल्ड कर लें। वन साइड उठाकर इसे पलट लें, इस तरह से आपका पेज हो जाएगा। अभी जो टर्न ले लिया, इस तरह से कोने आपको काटने पड़ेंगे, इस तरह से आपको इस पर कोने कट करके समझ गए बच्चों, बिल्कुल कॉर्नर मिलाकर आपको बर्ड की बॉडी तैयार करना है। इस तरह से इस पे रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे आप इस तरह से चिपकाना है फेविकोल से, और जो पीछे का हिस्सा है इसे भी आप एक कैंची से कट लगाएंगे। समझ गए बच्चों, इसे आपको फिर जिगजैग करना है। स्केल की सहायता से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, जिगजैग करेंगे, वन साइड इधर, इस तरह से पूरे पेपर को आपको फोल्ड करना है। ये आपकी लाइन बन गई। अब आप इस तरह से सेंटर को फोल्ड करते हुए
जो सेंटर है उसे आपको ऊपर लेना है, समझ गए बच्चों। और जिगजैग को आप लाइन को ध्यान रखते हुए कन्वर्ट कर लें। स्केल से मार्जिन तो ले लिया आपने, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया वन साइड, इसी तरह अदर साइड को भी आपको ये। अब यहाँ पर आप इसे इस तरह से स्टेपलर कर सकते हैं, गोंद लगा सकते हैं, या थोड़ा सा कट लगाएंगे ये। इस तरह से आप ये चिड़िया की पूंछ बन गई, ये आपको फेविकोल से यहाँ चिपकाना है और ये एक्स्ट्रा पोर्शन कैंची का कट जाएगा। एक्स्ट्रा पोर्शन को कैंची की सहायता से काट लें। अब आप फेविकोल लें, इस तरह से फेविकोल लगाएं दोनों साइड, फेविकोल लगा लें। फेविकोल गोंद का उपयोग कर सकते हैं आप, जो आपको उचित लगे। इस तरह से सेंटर पर रखें और सेंटर मिलाते हुए आपको इसे चिपकाना है, समझ गए बच्चों। उसके बाद में यहाँ पर आप स्टेपलर लगाएं या गोंद लगाएं, यह पूरा चिपक जाएगा। एक्स्ट्रा पोर्शन को कैंची की सहायता से काट ले बाद में। बच्चों आपने इसे चिपका लिया, थोड़ी देर सुखाने के बाद आप इसे इस तरह से यहाँ स्टेपलर मार दें, ये आपका पूंछ का आर्च पूरा बन जाएगा और इस तरह से आपकी चिड़िया रेडी है। बच्चों इसे आप धागे से लटका सकते हैं। आप पहले चिड़िया बनाना सीख चुके हैं, इस एंगल में अपने पूंछ खींची और ये पंछी तैयार। सारे पंछी आप पहले बना चुके हो, तोता बनाया आपने,